मैं साधना, वेलकम टू माय चैनल यम्मी पकाओ यम्मी खाओ। आज मैं आटे से आइसक्रीम बनाने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सा बनता है। बहुत ही सस्ते में हमारा घर में ये आइसक्रीम बनके रेडी हो जाता है जो बहुत हेल्दी भी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ये आइसक्रीम बना हुआ है। बस घर के किचन के कुछ सामानों से ही ये हमारा बन के रेडी हो जाता है आइसक्रीम। ये आटे का आइसक्रीम है, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ये आटे से बना हुआ है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो न्यू हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे नए नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम ये टेस्टी सा और इजी सा आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाफ के जी दूध ली हूँ। फुल क्रीम दूध है, आप पैकेट वाला या ऐसे भी कोई भी दूध यूज कर सकते हैं। और इसे हमें गर्म करना है और इसमें उबाल आना है कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तब तक हम चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। दूध में 3 से 4 उबाल आ चुका है, अब इसमें ऐड करूँगी मैं 7 टेबल स्पून शुगर। आइसक्रीम मीठी होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है, तो इसमें मैं 7 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी हूँ। और इसमें हमें फिर से 2 से 3 उबाल आने देना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं एक कटोरी ले ली हूँ, इसमें मैं 3 टेबल स्पून आटा डालूँगी। बस 3 टेबल स्पून में ही हमारा आइसक्रीम इतना बढ़िया बन के रेडी हो जाएगा, हमें ज़्यादा आटा लेने की ज़रूरत भी नहीं है और यह आइसक्रीम बहुत परफेक्ट बनने वाला है। तो देखिए 3 टेबल स्पून हो गया, इसमें दूध डाल के इसको मिक्स करना है हमें। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के और 1/2 कप ही दूध हमें इसमें यूज करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स हो चुका है बहुत अच्छी तरह, दूध हमारा उबल चुका है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। तो अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने आटा घोल के रखा हुआ था, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध इसी में से निकाल के इसको इस तरीके से सब ऐड कर देंगे और इसको हमें मीडियम आंच पे कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बैठ जाएगा, इसमें गांठें पड़ने लगेंगी, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है इस तरीके से। इसे हमें जब तक गर्म करना है, ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दूध आधा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं काजू, 10 काजू और 10 बादाम इनका पेस्ट बना ली हूँ ऐसे पाउडर जैसा, इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे काजू और बादाम का पाउडर बना के फिर इसको ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चला है ना, थोड़ा सा इसे हमें और गाढ़ा करना है। अगर इसमें कोई लंप्स भी पड़ रहा है तो आप घबराइए मत, हम आगे जो प्रोसेस करेंगे उसमें ये ख़त्म होने वाला है, लम्स ख़त्म हो जाएगा। बस इसे हमें चलाते हुए ऐसे ही गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, देखिए हमें इस कंडीशन में इसे लाके गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे यहाँ पर हम, और इसे रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे ठंडा होने देंगे और बीच बीच में 1-2 बार इसे मिक्स करते रहेंगे कि ऊपर मलाई की परत ना जमे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से बीच में एक बार ऐसे चला देंगे जिससे ऊपर कोई परत ना जमे, देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे ही। अब इसे हमें इसमें मैं 7 से 8 बूंद वनीला एसेंस डाल दूंगी, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं।
तो वनीला एसेंस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं जार में डाल ली हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून फुल, ये दूध की मलाई है, इसको ऐड करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही स्मूथ बनेगा ये। तो इसे अब हमें 3 से 4 बार चलाते हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट बन के हो चुका है रेडी। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी बना हुआ है। तब इसे हम एक एयर टाइट डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एयर टाइट डब्बे में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरीके से सभी पेस्ट को डाल देंगे। ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे काजू और बादाम डाल रही हूँ। आप चाहें तो और भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपने पसंद से। इस तरीके से चारों तरफ हम, तो यहाँ पे मैं इसमें काजू बादाम डाल दी हूँ, चारों तरफ फैला दी हूँ। आप चाहें तो कोई भी और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसे हमें 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है, नहीं तो ओवरनाइट के लिए भी हम फ्रीजर में रख सकते हैं। फिर देखते हैं 6 से 7 घंटे के बाद हमारा आइसक्रीम कैसा हुआ है। ओवर नाइट के लिए मैं इसको फ्रीजर में डाल दी थी, अब निकाल के देखते हैं कि हमारा आइसक्रीम कैसा बना है। ढक्कन खोल लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा आइसक्रीम बन के रेडी हो गया ना। लुक सो टेस्टी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे निकालते हैं सर्व के लिए। तो आइसक्रीम को मैं चाकू से ही काटकर पीसेस में निकालूंगी। देखिए मैं आइसक्रीम को निकाल ली हूँ, ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। मैं इसको इस तरीके से काटी हूँ, आप चाहें तो जैसे भी आपका मन करे वैसे निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुका है टेस्टी सा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।